SWB न्यूज में आपका स्वागत है। परिचित दो अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी सैन्य कमांडरों का अनुमान है कि 20 जनवरी को ट्रंप कार्यालय छोड़ने से पहले अफगानिस्तान और इराक से अमेरिकी सैनिकों की एक और वापसी शुरू करने के लिए इस हफ्ते में जल्द ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक औपचारिक आदेश दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि पेंटागन ने 15 जनवरी तक अफगानिस्तान और इराक से क्रमशः 2,500 सैनिकों की संख्या कम करने की योजना शुरू करने के लिए कमांडरों को एक चेतावनी आदेश के रूप में एक नोटिस जारी किया है, जबकि सोमवार की खबर बताती है कि पेंटागन अफगानिस्तान और इराक से हजारों अमेरिकी सैनिकों को हटाने के लिए तैयार दिखाई देता है। यह भी सुझाव देता है कि ट्रंप अपने पद छोड़ने से पहले अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने के अपने प्रमुख वादों में से एक को पूरा करने में कमी कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को ट्रंप ने ट्वीट किया, हमारे पास हमारे बहादुर पुरुषों और महिलाओं की कम संख्या होनी चाहिए जो अफगानिस्तान में क्रिसमस के अवसर पर सेवा कर रहे हैं। तत्कालीन रक्षा सचिव मार्क ग्रैफ ने इस महीने की शुरुआत में एक वर्गीकृत ज्ञापन व्हाइट हाउस को भेजा था, जिसमें कहा गया था कि यह कमान की श्रृंखला की सर्वसम्मति से सिफारिश थी कि अमेरिका इसे न खींचे। ज्ञापन से परिचित सूत्र CNN को बताते हैं कि जब तक की शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक अफगानिस्तान में उसके सैनिक मौजूद रहेंगे। यह माना जाता है कि मेमो मुख्य कारणों में से एक हो सकता है जिसके कारण ट्रंप ने पिछले हफ्ते एस्पर को पद से हटा दिया। इराक से अतिरिक्त सैनिकों को खींचने का निर्णय ट्रंप प्रशासन ने हाल के महीनों में अमेरिकी सेना के पदचिह्न को कम करने के लिए स्थानांतरित किया है। मध्य पूर्व में अमेरिकी कमांडर ने सितंबर में 5,200 से 3,000 तक इराक में अमेरिकी सैनिकों की कमी की घोषणा की। देखने के लिए धन्यवाद।